आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्थ में। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं के एग्जाम पैटर्न में बदलाव किए गए हैं, तो इसके बारे में आज पूरी बात करने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिले। ताकि और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम बताते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं के एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किए हैं, तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, हिंदुस्तान का ई पेपर हिंदुस्तान में आया है ये न्यूज, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। जैसा कि आप लोग नीचे आइएगा तो आने के बाद आप लोगों को देखिए यहाँ दिया गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा 2021-22 से 9वीं से 12वीं के प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। यह बदलाव इस सत्र से लागू होगा, इसकी जानकारी तमाम स्कूलों में भेज दी गई है। बोर्ड की माने तो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अब लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10% कम पूछे जाएंगे। यानी बोर्ड के अनुसार 10वीं और 12वीं में बोर्ड परीक्षा में अब लघु यानी जो मध्यम वर्ग के प्रश्न होते हैं और दीर्घ यानी कि जो मध्यम यानी मध्यम से बड़े होते हैं जो प्रश्न, उसके जो परसेंटेज हैं 10% यानी 10% कम पूछे जाएंगे। अभी तक 10वीं में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 70% पूछे जाते थे, यानी 70% प्रश्न पहले पूछे जाते थे 10वीं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वहीं 12वीं में 60% लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता था, लेकिन बोर्ड ने 10% कम कर दिया गया है। यानी कि जो 10वीं में जो प्रश्न है वो लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 70% पूछे जाते थे और 12वीं में 60%, लेकिन दोनों में 10% कम कर दिए गए हैं लघु और दीर्घ प्रश्न की संख्या। फिर वहीं नीचे दिया है कि वहीं 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में क्षमता बेस्ट प्रश्न को जोड़ा गया है। यानी कि जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें क्षमता बेस्ड प्रश्न को जोड़ा गया है। ज्ञात हो कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड द्वारा यह बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार यह जो बदलाव किया गया है उसके बाद विद्यार्थियों में सोचने की क्षमता का विकास हो, इसके लिए अब 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में क्षमता बेस्ड का प्रश्न जवाब देना होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो 9वीं और 10वीं की जो परीक्षा वार्षिक परीक्षाएँ होती है और बोर्ड परीक्षा में क्षमता बेस्ड का प्रश्न जवाब देना होगा, यानी आप लोगों का क्षमता बेस्ड प्रश्न अब आएगा। फिर यहाँ दिया गया कि इसमें 9वीं और 10वीं बोर्ड में 30% और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में 20% क्षमता वाले प्रश्न हो रहेंगे। यानी कि 9वीं और 10वीं में ये 9वां और 10वां में बोर्ड परीक्षा में बोर्ड में 30% और 12वीं के बोर्ड में 20% क्षमता वाले प्रश्न होंगे। अभी तक क्षमता बेस्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, यानी कि सीबीएसई बोर्ड में अभी तक जो प्रश्न पूछे जाते थे वो क्षमता बेस्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। ये क्षमता बेस्ड प्रश्न होते हैं कि जैसे आप लोग अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो इसे अगर आप लोग कुछ सोच सकते हैं कोई भी प्रश्न है उसके बारे में तो उसके बारे में लिख दीजिएगा, तो आप लोगों का नंबर उसके बारे में कुछ भी लिख दीजिएगा आप लोग, तो उसके आपको नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए नीचे दिया कि नए पैटर्न पर जारी होगा सैंपल पेपर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बोर्ड के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल की माने तो बदले हुए नए पैटर्न पर सैंपल पेपर जारी होगा। इसी पैटर्न पर अब स्कूलों को पढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है, इससे छात्रों को अभी से इसकी जानकारी मिल पाएगी। यानी कि निर्देश दे दिए गए कि जो अभी सैंपल जो अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन जारी जब होगा तो कहा जा रहा है कि स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि जो सैंपल जारी होगा उसी के अनुसार आप लोगों को आगे की जो पढ़ाई है उसी सैंपल के अनुसार होना चाहिए।
देखिए, देगा कि 9वीं और 10वीं में क्षमता बेस्ड प्रश्न 30% हो रहेगा। इसमें मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी इसमें मल्टीपल चॉइस होंगे, जैसे कि केस स्टडी, इंटीग्रेटेड आदि प्रकार के प्रश्न रहेगा। 20 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी 20 वस्तु यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, और लघु और दीर्घ उत्तर प्रश्न 60% से घटाकर अब 50% पूछे जाएंगे। यानी 11वीं और 12वीं में क्षमता बेस्ड प्रश्न 20% होगा, और इसमें केस स्टडी, मल्टीपल चॉइस, इंटीग्रेटेड प्रकार के प्रश्न पूछे, और 20 अंक का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा। और साथ ही जो 11वीं और 12वीं में जो 70% प्रश्न लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 70% पूछे जाते थे, अब 60% पूछे जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम बोर्ड के सिलेबस में कुछ चेंजिंग आया है, तो आप लोगों को ये जो सैंपल है अभी जारी नहीं किया गया है, इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा बोर्ड के वेबसाइट पर, जिससे जब जारी किया जाएगा तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिले, और जो जारी किया जाएगा तो आप लोगों को इसी चैनल पर बताया जाएगा। और साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए, धन्यवाद।